वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज मैं ना आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट मार्केट लेके आई हूँ जो कि मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम कवर की है एंड मुझे तो सच में जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन लगी यहाँ की एंड अब पहले मैं आप लोगों को मार्केट बता देती हूँ कौन सी मार्केट है एंड आप लोगों को टाइटल से तो पता चल ही गया होगा सो so, जनपद मार्केट आप लोगों ने सुना होगा एंड उसी मार्केट के बैक साइड पर ना आपको ये मार्केट मिल जाएगी जिसको हम बोलते हैं गुजराती लेन मार्केट एंड नेम से ही पता चल रहा है कि यहां पर आपको सारा ही गुजराती स्टफ मिलेगा चाहे वो बैग्स हो ज्वेलरी हो या फिर क्लॉथिंग आइटम्स हो तो आज मैं वही चीजें आप लोगों के लिए कवर uh, कर रही हूं सो so, आप जैसे ही इस मार्केट uh, में एंट्री करोगे ना तो आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड पर आपको शॉप्स दिखेंगी तो राइट हैंड साइड पर आपको फर्स्ट शॉप ये दिखेगी जहां पर इस टाइप के आपको बैग्स देखने को मिल जाएंगे एंड मेन बात जो लाइक uh, like, सबसे अच्छी बात है ना कि इनकी यहाँ पर खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है एंड इसलिए यहाँ के जो रेट है जो भी प्राइस है बैग्स के वो थोड़े से हायर साइड पे है लाइक like, इस टाइप के बैग्स ना आंटीज वगैरह से लगा के रखते हैं नीचे स्टॉल पे एंड ये आपको मिलेंगे फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड टू थाउजेंड इवन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तक के भी बट ट्रस्ट ट्रस्टमिन की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है एंड देखने में भी इतने प्रटी लगते हैं ये आप पूरा ही अपना कोई भी बोहो लुक क्रिएट कर सकते हो आ, पूरा बोहो आउटफिट कैरी करोगे एंड उस पर ये वाला बैग आप लोगे ना तो काफी अच्छा लुक आएगा देन उसी के सामने ही ना मैंने एक और ये शॉप देखी जिसका नेम था मोहन गारमेंट्स एंड यहां पर ना आपको बैग्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन बैग्स के साथ साथ ना आपको यहाँ पर थोड़े से क्लॉथ्स के भी ऑप्शन मिलेंगे लाइक इस टाइप के आप टॉप देख सकते हो एंड थोड़ा ना ये गुजराती वाइब वाले टॉप थे तो आप नवरात्रि पे इसको कैरी कर सकते हो या अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो जोधपुर जयपुर वगैरह की तो इस टाइप का टॉप एंड नीचे स्कर्ट वगैरह काफी अच्छा लगता है वियर किया हुआ एंड आप शॉप के अंदर जाओगे ना तो आपको और भी ज्यादा ह्यूज वरायटी मिल जाएंगी एंड यहाँ बैग्स जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं स्लिंग बैग्स के साथ साथ ना इस टाइप के आपको क्लचेस काइंड ऑफ मिल जाएंगे फैब्रिक से बने हुए एंड इनका प्राइस था 300 500 तक इस टाइप की रेंज में आपको मिल जाएगा एंड जो नवरात्रि में आजकल uh, इस टाइप की बेल्ट चलती है ना पूरा आउटफिट पे लाइक टॉप स्कर्ट एंड ये बेल्ट तो इस टाइप के बेल्ट के भी काफी ऑप्शन मैंने इस मार्केट में देखे सो so, मैं इस मार्केट में ना मॉर्निंग के टाइम गई थी एंड अगर आप भी यहां पर आने का प्लान कर रहे हो या एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आप जब भी आओ

यू कैन चेक दैट आउट एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप में जो कि आई थिंक टू या थ्री शॉप्स छोड़ के ही थी स्टार्टिंग में ही एंड ये बेसिकली पूरी बैग्स की शॉप है यहां पर आपको क्लच स्लिंग बैग्स एंड थोड़ा मिटालिक काइंड जो बैग होते हैं ना उसके यहाँ पर ज्यादा ऑप्शनस थे एंड इसमें ना आपको छोटू साइज में भी मिल जाएंगे जो कि मुझे सच में इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे एंड काफ़ी स्टर्डी क्वालिटी के थे एंड अगर आपको इसके साथ साथ लाइक like, पोटली वाले बैग्स चाहिए ना तो इन भैया के पास वो भी बहुत सारे ऑप्शन थे थे एंड आप देख सकते हो इस टाइप के आपको टोट बैग्स मिल सकते हैं एंड टोट बैग्स में शेल्स uh, से एंड मिरर वर्क से डिटेलिंग हुई हुई थी जो कि सच में बहुत ही ज्यादा प्रटी लग रही थी तो आप टोट बैग्स वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो इनके टोट बैग्स के uh, जो प्राइस होते हैं यहाँ पर वो भी ट्वेल्व हंड्रेड तक अराउंड uh, होते हैं एंड टोट बैग्स के साथ साथ ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेराइटीज थी वो स्लिंग बैग्स में थी लाइक like ये वाला मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा पूरा हार्ट शेप्ड का था एंड आप देख सकते हो पूरा वुड से बना हुआ था बैग जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा एंड मैंने मतलब इस टाइप का बैग देखा नहीं था तो काफी अट्रैक्टिव एंड थोड़ा अलग यूनिक सा लग रहा था एंड अगर आपको इस टाइप के मेटालिक लुक में क्लच चाहिए ना तो उसके भी पर लाइक like, मेटालिक लुक में क्लच की वराइटीज भी बहुत सारी थी एंड पोर्टलीस में तो सच में बहुत ही ऑप्शन थे जो कि आप यहाँ पर एक बार विजिट करोगे ना तो आपको देख ही जाएगा पता चल ही जाएगा एंड अभी तक वीडियो से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी सारी कलेक्शन थी यहाँ पर बैग्स की एंड मुझे तो ये वाला जो मेरे हाथ में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था एंड इसमें है ना पूरी चेन थी लाइक स्लिंग दी हुई थी इसमें जो कि आप कैरी कर सकते हो एंड अपने कोई बोहो आउटफिट पे आप कैरी करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा प्रटी लगेगा ये देन इसी लेन में आप स्ट्रेट जाओगे ना तो यहाँ पर आपको लाइक तीन चार शॉप्स ऐसी दिखेंगी जो कि साड़ी वगैरह सेल आउट करती हैं एंड यहाँ पर आंटीज वगैरह भी ये शॉप्स लगा के रखती हैं तो इस टाइप की आपको थोड़ी बनारसी काइंड ऑफ साड़ीज मिल जाएंगी थ्री थाउजेंड में ट्वेंटी फाइव में एंड आप ये देखते सकते हो ये जैकेट ना मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी बिकॉज इसके जो नेक एरिया पे एंड स्लीव्स पे जो पैटर्न बना हुआ था ना पूरा गुजराती लुक में काफी ज्यादा प्रटी लग रहा था एंड इसी के साथ वाली शॉप ही लाइक like मैंने पहले ही आपको बता दिया बहुत ही छोटी सी मार्केट है तो आपको ज्यादा शॉप्स नहीं मिलेंगी तो बीच में ही ना आपको ये वाली शॉप मिलेगी अपने लेफ्ट हैंड साइड पर जो कि बेसिकली सारी ज्वेलरी की होगी यहाँ पर आपको सिर्फ ज्वेलरी पीसेस दिखेंगे चाहे वो ईयर हो बैंगल्स हो नेक पीसेस हो या रिंग्स हो आपको यहाँ पर ना बहुत ही ह्यूज कलेक्शन मिल जाएंगी एंड ये पर्टिकुलर शॉप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे अच्छे पीसेस थे और नेक पीसेस स्पेशली एंड मल्टी कलर्ड आपको मिल जाएंगे एंड इस टाइप के ईयर आपको मिल जाएंगे ईयरिंग्स की जो रेंज थी वो थोड़ी हायर साइड पर थी लाइक आपको सेवन हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फाइव हंड्रेड तक के एयरिंग्स मिल जाएंगे बट सच में क्वालिटी वाइज दे वर अमेजिंग तो आप एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर कलेक्शन यहाँ पर आपको मतलब आप आओगे ना तो यहाँ पर दो से तीन पीसेस तो यहाँ से लेके ही जाओगे इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पर चीज़ें थी एंड अगर आपको स्टड्स काइंड ऑफ़ ईयर चाहिए ना तो उसके भी आपको काफ़ी वराइटीज़ देखने को मिल जाएंगी एंड इस टाइप के मुझे छोटे साइज में जो ईयर रिंग्स हैं ना स्पेशली वो यहाँ पर ज़्यादा प्रिटी लगे एंड बैंगल्स जैसे मैंने आपको बताया है बैंगल्स ब्रेसलेट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको थोड़ा जंक ज्वेलरी काइंड ऑफ़ लुक में तो इस टाइप की ज्वेलरी आप चेकआउट कर सकते हो इस टाइप की बंजारा ज्वेलरी वेयर की भी ना काफ़ी प्रिटी लगती है तो मुझे तो यहाँ पे बैंगल्स वगैरह सबकी ही और जितनी भी वैरायटी मैंने देखी ना सारे ही पसंद आए एंड इस टाइप के बैंगल्स ना मतलब इस शेप में बैंगल्स मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे एंड इनका प्राइस भी लाइक फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड समथिंग का था तो मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे काफ़ी यूनिक डिज़ाइन दिखा मुझे जो मैंने इस मार्केट में ही फर्स्ट टाइम देखा एंड आप इसको कुर्ती वगैरह के ऊपर वेयर कर सकते हो ब्लैक कुर्ती के ऊपर काफ़ी अच्छे से एंड वाइट कुर्ती पर भी आप इसको कैरी uh, कर सकते हो एंड ईयर की तो सबसे ज़्यादा ही कलेक्शन थी यहाँ पर ईयरिंग्स मैंने आपको वन बाय वन करके दिखा दिए हैं किस टाइप के थे एंड छोटे से लेके बड़े एयर सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए कवर कर लिया है जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको मार्केट में किस टाइप की ज्वेलरी मिलने वाली है किस टाइप के एयरिंग्स मिलने वाले हैं एंड मैंने आपको रेंज बता दी है यहाँ पर आपको ईयर मिल जाएंगे हंड्रेड रुपीज से स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपको सेवन हंड्रेड तक के ईयर रिंग्स से मिल जाएंगे एंड इस मार्केट में आने का ना एक बेनिफिट जरूर है कि आप

क्लॉन्दिंग की शॉप मिलेगी लाइक आपको यहाँ पर फैब्रिक मिल जाएंगे ब्लाउजेज़ के जिससे आप लाइक ब्लाउज वगैरह स्टिच करा सकते हो या आपको रेडीमेड वाले कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पर साड़ीज़ की काफ़ी वेराइटीज़ थी तो अगर आप ये सब लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर एक बार एंड तक जाके आना इस मार्केट में क्योंकि सारी जो क्लॉदिंग आइटम्स है ना वो एंड की शॉप्स में ज़्यादा मुझे दिखी एज़ कम्पेयर टू आगे वाली शॉप्स तो आप ये सब चीज़ें कवर कर सकते हो सो दैट इज़ इट फॉ टूडेज वीडियो गाइज एंड आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल देन प्लीज़ डोंट फर गेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू गेट नोटिफाइड वन एवर आई पोस्ट यू वीडियो गाइज एंड आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून सो स्टेट यून फॉर दैट एंड टिल देन गाइज बाय